सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हमने यज्ञ का कुछ स्वरूप जानने का प्रयास किया था और यज्ञ के विषय में ये बात आई जो अथर्ववेद का मंत्र हमने स्वाध्याय में लिया था। व्यवहारिक रूप में हम यज्ञ को ऐसे समझ सकते हैं क्योंकि यज्ञ शब्द का बहुत बृहद अर्थ है और केवल अभी हम अर्थ को समझने का प्रयास कर रहे हैं। यज्ञ की इतनी उपयोगिता बताई और ये कहा कि शरीर को, आत्मा को, मन को, समाज को शक्तिशाली बनाना, उन्नतशील बनाना, अपने गुण कर्म स्वभाव को उत्तम बनाना, मनसा वाचा कर्मणा शुभ कर्मों को करना यज्ञ कहलाता है। जिससे मेरा शरीर, मेरी आत्मा, मेरा मन, मेरा समाज हर प्रकार से उन्नति को प्राप्त होता है वह कर्म क्या कहलाता है? यज्ञ कहलाता है। वह यजनी कर्म है। इससे इतर अर्थात इससे अन्य जो कार्य हैं विपरीत यदि हम कर दें तो वो यज्ञीय कार्य नहीं होते हैं। कोई भी व्यक्ति यदि तन, मन, वतन से सुरक्षित नहीं है तो इसका तात्पर्य यह है कहीं ना कहीं कमी है उसकी साधना में, उसके समर्पण में, उसके स्वाध्याय में, उसके सत्संग में, उसके स्वभाव में कहीं ना कहीं कोई न्यूनता है। एक एक बिंदु को यदि हम पकड़ लें तो भी हमारा जीवन यज्ञ बन सकता है। तो संसार एक अपनी गति में चलता है लेकिन हमारी गति क्या होनी चाहिए? एक मैं व्यक्ति नहीं हूं, मैं राष्ट्र की, इस धारा की, उस परमात्मा की अभिव्यक्ति हूं। जैसा उसने आदेश दिया, जैसा उपदेश किया है तदनुसार मेरा आचरण हो तो ये यज्ञीय कार्य होगा। जैसे माता पिता, गुरु आचार्य हमको शिक्षा देते हैं, हमको सुशिक्षित करते हैं, हमारा परिष्कार करते हैं, हमको शुभ संस्कारों से परिपूर्ण करते हैं और तदनुसार यदि हम व्यवहार नहीं करते तो लोक में हमारी निंदा होती है और हमारी निंदा होने से पहले हमारे माता पिता गुरु आचार्य की निंदा होती है। क्यों? थोड़ा सा अव्यवहारिक व्यक्ति जब हो जाता है तो लोग कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता कैसे तुमको जो है शिक्षा दिए, कैसे संस्कार दिए, तुमको इतना भी नहीं पता कि कैसा व्यवहार होता है या कैसा किया जाता है। एक बेटी जब किसी के घर में बहू बन करके जाती है तो जाते समय जब वह अपने घर से ससुराल के लिए विदा होती है तो पूरे पास पड़ोस के लोग भी आकर के उसको समझाते हैं कि ये तो अपना घर था, यहां जैसा आपका व्यवहार था क्षम्य था लेकिन वहां जाओगे तो कैसे चलना है, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे बातचीत करनी है, कैसे दूसरों से व्यवहार करना है, कैसे खुद चाहे भूखे रह करके दूसरों के पेट के भरने की इच्छा हो, दूसरों की सेवा कैसी करनी है, सास से कैसा बर्ताव करना, ससुर से कैसा बर्ताव करना, अपने से छोटों से कैसे बात करनी, बड़ों से। कहने का आशय यह है
कि पूरी शिक्षा दीक्षा उसको देते हैं। क्यों? क्योंकि यदि बेटी तूने अगर कोई थोड़ी सी भी गलती की तो उसको तुझसे पहले तेरे माता पिता को लोग दोषी बनाएंगे कि कैसे माता पिता की ये संतान है, क्या तेरी माता पिता ने तुझको ये भी नहीं बताया, ये भी नहीं सिखाया। तो यहां पर यज्ञ जीवन हो, मेरा तन, मेरा मन और मेरी आत्मा एक हो, एक दिव्यता में जीने वाला। यदि मैं अगर दुराचार करूंगा, दुराचार का तात्पर्य यह है कि जो आचरण, एक सदाचार है, एक दुराचार है, दुर्व्यवहार है, सदव्यवहार और दुर्व्यवहार। तो यदि मेरा आचरण दुर्व्यवहार से युक्त होता है तो मेरे गुरु की छवि खराब होती है। मैं यदि देवत्व को धारण करने वाला व्यक्ति हूं, उस परमात्मा की संतान अपने आप को बताता हूं, तो वो तो कभी ऐसी शिक्षा देता नहीं है। हम उसकी शिक्षा के ऊपर निर्भर होकर के उसके आधार पर जीवन जब व्यतीत करते हैं तो ये यज्ञ जीवन हो जाता है, यही यज्ञ जीवन है। और उससे विमुख जब होते हैं तो मेरा शरीर भी स्वस्थ नहीं रह सकता है, मेरा मन भी स्वस्थ नहीं रहेगा, मेरी आत्मा भी जिस उद्देश्य से इस संसार में आई है वह भी उचित मार्ग ना पा करके बार बार बंधन में ही आएगी। और ये समाज भी नष्ट होगा, भ्रष्ट होगा। इसलिए अपने जीवन को यज्ञ बनाए, माता पिता गुरु आचार्य ऋषि ऋण से हम उऋण हो, देव ऋण से उऋण हो, ऐसा भाव यदि आएगा तो हमारा जीवन यज्ञ होगा। आज पुनः हम दूसरे मंत्र को ले रहे हैं, अथर्वेद के ही मंत्र को हम लेंगे। और ज्ञानी ही यज्ञ के मुख्य धाम को जानते हैं, उस दृष्टि से यहां पर हम चर्चा करेंगे। कोई पीछे का कोई प्रश्न हो तो किसी का, आगे चलें, ठीक है। तो ऋतम शसंत ऋजु दीध्याना दिवस पुत्रासो असुरस्वीरा विप्रम पदम अंगिरसो दधाना यज्ञस्य धाम प्रथमं मनन्ता। बहुत सुंदर बात कही है कि यज्ञ का मुख्य धाम क्या है, उसके विषय में यह आप मंत्र लिख लीजिए। ऋतम शसंत तो ऋतम शसंत ऋजु दीध्यमाना दीध्याना, ऋजु ऋजु दीध्याना, दिवसस्य पुत्रासो असुरस्य वीरा, दिवसपुत्रासो
कस्य वीराः। असुरस्य वीराः। विप्रम पदम अंगिरसो दधाना। विप्रम पदम अंगिरसो दधाना। यज्ञस्य धाम प्रथमं मनन्ता। यज्ञस्य प्रथमं यज्ञस्य धाम प्रथमं मनन्त। मनन्त उच्चारण करेंगे। ओम ऋतम शशंत ऋजुदीध्याना। दिवसपुत्रासो असुरस्य वीराः। विप्रम पदम अंगिरसो दधाना। यज्ञस्य धाम प्रथमं मनन्त। ऋतं शशंत ऋजुदीध्याना। दिवसपुत्रासो असुरस्य वीराः। विप्रं पदम अंगिरसो दधाना। यज्ञस्य धाम प्रथमं मनन्त। तो यहाँ पर ये अथर्ववेद का जो मंत्र है इसमें ऋतम शशंता अर्थात ऋत की प्रशंसना करने वाले ऋजु दिध्यानाः सरलता से विचारने वाले दिवस पुत्रः दिवः जो दिवः पुत्रासः जो प्रकाश के पुत्र असुरस्य वीरा वरुण के वीर भगवान के भक्त अंगिरसः अंगी जो आत्मा अंगी आत्मा के रस को प्राप्त महात्मा जन विप्रम पदम मेधावी पदवी को दधाना धारण करने वाले यज्ञस्य प्रथमं धाम यज्ञ के मुख्य धाम का मनन करते हैं विचारते हैं। आशा ये है कि यज्ञ का मुख्य धाम क्या है। किसी कार्य को करने से पहले हम उसके फल को चिंतन में लाते हैं। कहीं जाने से पहले हम उस स्थिति को या उस देश को या उस जो भी जहाँ कोई शहर जाए कोई गांव जाए किसी के घर जाए तो जो लक्ष्य है जहाँ जाना है उसका पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये यज्ञमय जीवन हो हमारा उसके लिए क्या है क्यों करें और इसका धाम क्या है
यज्ञ का धाम क्या है, इस दृष्टि से यहाँ पर चर्चा की। तो कहा कि महर्षि देवदयन लिखते हैं संस्कार विधि में कि मनुष्यों को योग्य है कि सब मंगल कार्यों में अपने और पराए कल्याण के लिए यज्ञ के द्वारा ईश्वर उपासना करें, अपने कल्याण के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए क्या करें, यज्ञ करें, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना करें यज्ञ के द्वारा। इससे सिद्ध होता है कि यज्ञ का मुख्य धाम प्रभु है, परमात्मा है, और उसी की ही प्राप्ति के लिए, उसकी सन्निधि के लिए उसका हम प्रियाचरण करते हैं, उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं, उसके द्वारा दिए गए उपदेश को, आदेश को, संदेश को शिरोधार्य करते हैं, उसको धारण करते हैं, जिससे हम कभी भटकते नहीं हैं, हम कभी विचलित नहीं होते हैं, अपने कर्तव्य को ठीक ठीक हम पूरा करने में समर्थ होते हैं। और ये कब हम संभव हो पाएगा, जब हम उसकी प्रार्थना पूर्वक उसके रित नियमों को जो है पालन करेंगे। तो यहाँ पर जो बात आई है, प्रभु प्यारों का सबसे प्रथम गुण क्या है, जब वह व्यक्ति उस परमात्मा के गुणकर्म स्वभाव को जान करके वैसा उसके द्वारा दिए गए उपदेशों का पालन करके अपने जीवन को दिव्य बना लेता है, तो वहां पर प्रभु प्यारों का सबसे प्रथम गुण क्या है, उसमें कहा ऋतम शशंता, ये प्रथम गुण है। कहा कि रित की प्रशंसा करने वाले प्रभु भक्त को सबसे पूर्व रित जानी और रित गामी होना चाहिए, सत्य का जानने वाला और सत्य को मानने वाला, सत्य को धारण करने वाला होना चाहिए। रित का एक अर्थ है सृष्टि नियम, अर्थात उस सृष्टि नियम को पहले समझे। हम जानते नहीं किसी चीज को और मानते रहते हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं कि हम जानते हैं लेकिन मानते नहीं है। तो रित नियम अर्थात सत्य नियम, सत्य का तात्पर्य जो सृष्टि नियम है, रित नियम का तात्पर्य क्या है, सृष्टि नियम। जब मनुष्य सृष्टि नियम का मनन और चिंतन करेगा तो स्वयं भी अपना आचरण सृष्टि नियम के अनुकूल बनाएगा, वह व्यक्ति कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं हो सकता है, वह व्यक्ति कभी भी सफर को ठीक ढंग से पूरा नहीं कर सकता है जिसको यही नहीं पता है कि गाड़ी कैसे चलाना है, और गाड़ी चलाना जान गया लेकिन वह जो नियम बनाए हैं सड़क के या रोड में कैसे चलना है उस नियम को वो नहीं जानता है, तो क्या वो सही सलामत पहुंचेगा मंजिल पर, नहीं पहुंचेगा। उसको वो समझे, जाने, रित नियमों को समझे, जो सृष्टि का नियम है, जो प्रकृति का नियम है, जो परमात्मा के द्वारा संविधान बनाया गया है, उसको जब समझेगा तो उसका जो यह जीवन है, जो जीवन यात्रा है, वो सुगमता से जो है कट जाएगी। आप स्वयं विचार करें कि यह शरीर हमको इतना मूल्यवान मिला है, इसको कैसे चलाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इसका विचार नहीं करेंगे और जो मन में आएगा खाएंगे तो कभी ये चलेगा क्या, नहीं चलेगा। देखो ये इतना संवेदनशील परमात्मा ने शरीर को बनाया है, लेकिन जो लोग रित नियम को नहीं समझते हैं वो बार बार भूलते हैं, भटकते हैं और ये अनेक मुसीबतों में फंस जाते हैं, अटक जाते हैं। आंख बहुत संवेदनशील है, हमको दिखाई पड़ता है और महसूस भी करते हैं, करते हैं कि नहीं करते, लेकिन आंख में आप जरा सा भी कोई तिनका, थोड़ी सी धूल यदि पड़ जाए तो क्या करेंगे, बहुत उसको निकालने का प्रयास करेंगे, जब तक वो निकल नहीं जाएगा तब तक चैन नहीं मिलेगा। इतना संवेदनशील मुख को बनाया है, भोजन करते समय कोई चीज दांतों के बीच में आ जाए और जीभ को पता चल जाए कि कुछ फंसा हुआ है, तो जब तक जीभ से उसको निकाल नहीं लेंगे तब तक चैन मिलती नहीं। आप कुछ कर रहे हैं
और वो अटक रहा है तो जीभ तुरंत जाएगी वहां पर उसको निकालने के लिए, जाती कि नहीं जाती, ये संवेदनशीलता है। लेकिन कुछ लोग असंवेदनशील होते हैं कि बस उनको पेट में जाना चाहिए, आते हमारी उसके लिए अनुकूल वो भोजन पड़ेगा नहीं पड़ेगा, हमारी आंतों को वह जो है सूट करेगा नहीं करेगा ना, बस जीभ को जो है जीभ के स्वाद के लिए लोग कुछ ना कुछ उल्टा सीधा भी खाते हैं। आंतों को जैसे मस्तिष्क संवेदनशील है, जैसे हृदय संवेदनशील है, जैसे हमारी किडनी संवेदनशील है, जैसे लीवर संवेदनशील है, वैसी हमारे आंतें भी संवेदनशील होती हैं। लेकिन विचार नहीं करते, जब तक गाड़ी चल रही है तब तक चलने दो, वो डीजल वाली है तो उसमें चाहे पानी से चलाओ, और पेट्रोल वाली है तो उसमें चाहे जो है आप घास ले जो मिट्टी तेल उसको डालो। अनेक प्रकार से ये हम इंजन को जाम करने का प्रयास करते हैं। कहने का आशय ये है कि इसके रित नियम को समझें। शरीर की आरोग्यता को यदि हम चाहते हैं तो एक एक आहार को हमको बहुत बारीकी से सोच विचार करके ग्रहण करना होता है, होता है कि नहीं। और यदि एक भी गलत आहार चला गया तो शरीर हमारा बीमार हो जाएगा, व्याधि आ जाएगी। और यदि एक भी गलत विचार आ गया तो हमारा मस्तिष्क, हमारी जो थॉट्स है, जो हमारी संवेदनशीलताएं हैं, वो जो है दूषित हो जाएगी। इसलिए रित नियम को हम समझें कि परमात्मा ने हमारे लिए जो आहार बनाया है वो आहार उचित होना चाहिए, जो अनुकूल हमारे लिए है, जो हमारे लिए विचार, जो विचार करने के योग्य है वही विचार करना, इसके अलावा विचार नहीं करना, ये हम इसको समझें। सृष्टि नियम, मनुष्य सृष्टि नियम का मनन और चिंतन करेगा तो स्वयं ही जो उसका आचरण सृष्टि नियम के अनुकूल हो जाएगा। सृष्टि नियम के अध्ययन से उसे सृष्टा और उसकी सर्वव्यापकता का ज्ञान होता है, भान होता है, तब वह पाप से हट जाएगा, क्योंकि सृष्टि नियम की जो विशद व्याख्या हमारे ऋषियों ने की है उसको हम समझे तो, कि वो जो बनाने वाला है, जो नियंता है, बिना कारण के कोई कार्य होता नहीं है, वह अति सूक्ष्म होने से हमको दिखाई तो पड़ता नहीं है तो हम उस पर विश्वास नहीं करते। क्यों, यहां जो चीजें दिखाई पड़ रही, बगल में कौन बैठा कौन नहीं बैठा तो दिखाई पड़ रहा है, तो हमको लगता है कि नहीं यहां पर ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे देखेंगे लोग तो कहेंगे तो कैसा जो है कार्य कर रहा है। कोई भी ऐसा लज्जा से युक्त कार्य जो जिसमें लज्जा आती है वो कार्य नहीं करेंगे, जिसमें हमको संकोच होता वो कार्य नहीं करेंगे। क्यों, यहाँ बड़े भी बैठे हैं, छोटे भी बैठे हैं, और जो है हमारे समकक्ष भी बैठे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन जब हम देखते हैं कोई नहीं है तो गलत काम करते हैं, वो सृष्टि नियम के विरुद्ध है। क्यों, क्योंकि सृष्टि नियम में ये निश्चित रूप से हमको समझना चाहिए कि परमात्मा कण कण में विद्यमान है, हर क्षण विद्यमान है, वो हर पल हमको देख सुन जान रहा है। और ऐसा यदि हम समझते हैं, ऐसा विचार करते हैं तो पाप से बचेंगे, हमारा जीवन यज्ञ होगा। तो बहुत सुंदर जो बात कही है, रितम शशंता, सत्यवादी हो, सत्य का आचरण करने वाले हो, जो सृष्टि नियम के विरुद्ध है उन कार्यों को कभी नहीं करना। वेद में और भी कहा, रितस्य धीतिर विजनानी हंति, ऋग्वेद में आया कि रित का चिंतन पापों का नाश करता है। भाई अपने को यज्ञ जीवन जीना है, अपने को जैसा ईश्वर ने आदेश दिया है, जैसा संकेत किया है, वैसा ही जीवन जीना, ये रित नियम है। क्या है ये रित नियम है, रित नियमों का कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यदि गलती करेंगे तो उसका दंड मिलेगा, किसी का अपमान करेंगे तो दंड मिलेगा, किसी के हक को दबाएंगे, किसी के ऊपर अपना शासन जमाएंगे, किसी को नाजायज परेशान करेंगे, अन्याय किसी के साथ करेंगे, किसी के साथ अधर्म पूर्वक व्यवहार करेंगे, तो ये नियम के विरुद्ध है और उसका हमको भुगतान करना पड़ेगा। जो ऐसा समझेगा वो कभी भी गलत क्यों करेगा,
अतः रित का चिंतन पापों का नाश करता है। इसका चिंतन करना, इसका मनन करना कि वास्तव में ईश्वर ने जो हमको उपदेश दिया है, संदेश दिया है, वो कैसा है, वेदानुकूल आचरण करना। क्योंकि ऐसे में लोग महान नहीं बन पाएंगे यदि उसका चिंतन नहीं करेंगे। चिंतन करने से ही व्यक्ति उसका पालन करेगा और अच्छा बनेगा। तो पाप करने के लिए मनुष्य ऐसे स्थान की खोज करता है जहां उसे कोई देखे नहीं। जब भक्त भगवान की सर्वज्ञता, सर्वव्यापकता, सर्व दृष्टिता और सर्व व्यापकता का भान करेगा तब सर्वत्र भगवान को देखेगा। अतः वह पाप करने के लिए एकांत न मिलने से भी वह पाप नहीं करेगा, क्यों जहां भी जाएगा वहां पर ईश्वर है। इस प्रकार से वह पाप से छूट जाएगा। कहीं कथा आती है, एक पिता की दो संतानें थी और उन्होंने कोई बात कही कि तुम जाओ और अकेले में ये अमुक कार्य करके ले आओ, ये कार्य करना अनिवार्य है, अकेले ही करना, कोई देखे नहीं, कोई सुने नहीं, कोई जाने नहीं, इसलिए अकेले जाना। दो गए, एक ने तो जो कार्य बताया उसको करके आ गया, फिर दूसरा तो खाली हाथ आया। बोले आप खाली हाथ कैसे? बोले पिताजी आपने ही तो बताया था कि हम कभी अकेले नहीं होते हैं, ईश्वर हमारे साथ होता है, ईश्वर हमारे साथ होता है, इसलिए मुझको तो पूरा विश्वास है कि ईश्वर तो मुझको देख सुन जान रहा है। मैं इस कार्य को, आपने कहा कि कोई देखे नहीं, कोई सुने नहीं, कोई जाने नहीं, आपने कंडीशन लगाई थी, इसलिए ईश्वर तो हमको देख सुन जान रहा है। सत्य बात है कि हमको हमेशा ईश्वर देख सुन जान रहा होता है, और जो लोग गलत कार्य करते हैं उनका वो दंड भी देता है। तो हम ऐसी भक्ति के साथ उससे प्रार्थना करें कि ऐसा वो वरदान दे जिससे मेरा जीवन महान बने, हम उन्नति को प्राप्त हों। ऐसा यदि करेंगे तो हमारा जीवन यज्ञ बनेगा। ऋत जानी एवं ऋतगामी होने के साथ साधक को ऋजु दिध्याना, अगली बात आई क्या, ऋजु दिध्याना। ऋजु दिध्याना का क्या तात्पर्य क्या है? कुटिलता पाप होती है और कुटिलता टेढ़ेपन से गांठें पड़ती हैं। अतः कुटिलता का त्याग करके सरलता का धारण करें, चिंतन करें। झूठ में पेच होते हैं, सत्य में सिधाई होती है। अर्थात झूठ करेंगे तो फंसेंगे कहीं ना कहीं, लेकिन जो सच्चा है तो वो हमेशा खरी कसौटी में खरा ही रहेगा, वो कभी भी धोखा नहीं खाएगा। इसलिए यज्ञ के जो है प्रधान धाम का मनन करने के लिए अभिलाषी को ऋजु सरल विचारों वाला होना चाहिए। अर्थात प्रभु प्यारों का दूसरा गुण कुटिलता त्याग सरल विचार तथा सरल आचार व्यवहार है। यदि सरलता है, यदि दिव्यता है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति का जीवन यज्ञी होगा। और ऐसा करने के बाद ही यज्ञ का हम आधान करें, हमारा जीवन धन्य होगा। तो ऐसी शुभकामनाओं के साथ यहीं पर विराम देते हैं, अगली बात अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति।